हेलो एंड व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं GTA 5 के अंदर एक और नई पार्कोर। और गाइस यार, इस बार ना थोड़ी सी रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट हुई है, क्योंकि गाइस मैं भूल चुका था कि भाई मेरे को रिकॉर्ड भी करना है। और यहाँ देख सकते हो गाइस, मेरी गाड़ी पहले से ही गिरना स्टार्ट रखी है। तो यार, आपकी गाड़ी तो वैसे भी गिरती रहती है, कहाँ जमीन पे रहती है। हाँ भाई, बात तो सही है तुम्हारी, हमारी गाड़ी जमीन पे नहीं रहती भाई, उड़ती रहती है। और तुम्हारी गाड़ी चौप बहुत जमीन पे रहती है। और गाइस यहाँ पे भाई रुकना रे यार, जब भी रुकना होता है भाई मेरी गाड़ी पानी के अंदर क्यों जाती है? क्योंकि भैया वो बोलती है आप चलो फिर पानी में डूब मरो। हाँ भाई ठीक है, ऐसा ही बोलती है मेरी गाड़ी, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता था यार। और गाइस तुम लोग को भाई अगर पता है ना कि ये चॉप का बच्चा ना भाई हमेशा हारता है, आज ना मेरी रिकॉर्डिंग चालू करने के चक्कर में ये मेरे से थोड़ा सा आगे निकल चुका है, तो भाई बहुत बोल रहा है। अरे भैया यार, इतना ही तो मौका चाहिए होता है एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए और पीछे जाने के लिए। हाँ भाई देख रहा है। और गाइस यार, अगर मैंने चॉप को ना इस रेस में भी अगर हरा दिया ना, तो गाइस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और ये जानने के लिए कि मैं चॉप को हरा पाता हूँ कि नहीं, तो मैं वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो वीडियो को भी एंड तक देखना। और राइट, यहाँ से गाइस अपने को सीधे चलना है, यहाँ पे टर्निंग है। और गाइस ये सारी टाइट रोप तो बहुत इजी है। और एक और चीज गाइस, इस वाली पार्कोर के अंदर ना हर एक चीज बिल्कुल नई होगी जो कि तुमने नहीं देखी होगी, तो इस वीडियो को एक और रीजन है कि तुम एंड तक देखो। और राइट लेट्स गो गाइस, यहाँ से अपने को मुड़ना है और सामने आ चुका है हमारा चेक पॉइंट। और यहाँ से कैसे जाना है अपने को, ऑल राइट अरे ठुके गाड़ी, एक सेकंड गाइस, यहाँ से मोड़ते हैं, देख सकते हो कितनी शार्प टर्निंग लेनी है। और चॉप में अभी भी आगे निकल रहे हैं। अरे भैया यार, मेरा दूर पीछे है तो क्या हो गया, मैं तो हमेशा आगे ही रहूंगा। हाँ भाई ठीक है, तू आगे बढ़ते रहे और हम तेरा पीछा करते रहेंगे। लेट्स गो गाइस, यार चॉप को ना अपने को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। और गाइस वो देख सकते हो गाइस, चॉप का दोस्त पीछे है। अरे नहीं, चॉप है क्या वो? भैया यार भाई, वो पीछे मेरे को लगा कि आप पहचान नहीं पाओगे, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा था। हाँ ठीक है भाई, पहचान लिया। और गाइस देख सकते हो यहाँ पे इनविंसिबल चीजें दे रखी है, बट कोई ना, तुम्हारा भाई इसको भी इजिली पार कर जाएगा, जैसे कि हर एक चीज को करता आया है। और राइट, यहाँ से अपने को गाइस फिर से एक और बार लेना है चेक पॉइंट। और राइट ले लिया। और ये क्या चीज है भाई, ये पेड़ पौधे कहाँ लगे हुए भाई बीच पार्कोर के अंदर? ये GTA वाले चाहते है ना कि अपन लोग एवर ग्रीन हो जाए। हाँ भाई बात तो सही भाई, ग्रीन 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 होना चाहिए भाई हर जगह पे, मैं तो पूरे वर्ल्ड को ग्रीन देखता हूँ भाई। ये इतना झूठ के बोलते हो यार, कली तो घास उखाड़ रहे थे। अरे वो सब बताना नहीं होता, अरे घास यार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी तो इसलिए मैं उखाड़ दिया भाई, और तो तुम लोग भी करते हो ऐसा। और राइट लेट्स गो गाइस, यहाँ से अपने को चलना है, सामने एक और चेक पॉइंट, 45 डिग्री वाली वॉल राइट ना भाई, ये मस्त लगती है मेरे को। और गाइस यहाँ पे भी एक और 45 है, बट गाइस इसमें से अपने को गाड़ी को उड़ाना है, ओ भाई साहब लैंड कराना है। और राइट गाइस, तुम देख सकते हो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा प्रो है, लिटरली लैंड 2 सेकंड में करा दिया। और ये पैराशूट के ऊपर से टाइट रोप करनी है, ऑल राइट ये कुछ नया है। और गाइस ये तुम लोगों ने पहली बार देखा होगा, क्योंकि मैंने अपने चैनल में पहली बार डाला है, तो तुम लोग भी पहली बार ही देख रहे होगे। और आई होप ना कि तुम लोग और भी कई सारी वीडियोस देखना पसंद करोगे, तो मेरे को भाई कमेंट्स में बताओ यार, मेरे को लिटरली जानना है कि तुम कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम लोग बताओगे नहीं यार, तो फिर मैं कुछ भी डाल दूंगा, उसके बाद तुम देखोगे नहीं। और राइट, चेक पॉइंट क्यों नहीं मिल रहा मेरे को? अरे मिल जाओ भाई, और राइट मिल जा, अरे मिल गया भाई, देख रहे हो चेक पॉइंट के अंदर घुस के भी चेक पॉइंट नहीं मिल रहा। और ये बंदे, अबे तू कोने निकल भाई, मेरे को जाने दे। और राइट गाइस, यहां पे अपन लोग फर्स्ट चल रहे हैं, अपने को अपनी रैंक को भाई बरकरार रखना है और इन लोग से आगे निकलना है। और गाइस यार, मैं बोल रहा था ना कि तुम लोग को क्या देखना पसंद है, कौन सी वीडियो देखना चाहते हो, अपने कमेंट सेक्शन में तुम अपनी राय लिखो यार, मैं पढ़ता हूँ यार उन सबको, और तुमको एक प्यारा सा हर्ट भी दूंगा अगर तुम अच्छा सा कमेंट करते हो। चॉप ओपी लिखो, जाइलो ओपी लिखो, या तो कोई गेम का नाम सजेस्ट करो। मैं सोच रहा ना ह्यूमन फॉल फ्लैट खेलने का, साथ ही साथ रोब्लॉक्स और भी 2-3 गेम है, जैसे वॉबली लाइफ होगी, ये सारे गेम्स को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अगर तुमको पसंद आएगी ना, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और मेरे को कमेंट में लिखो यस हम देखना चाहते हैं। और राइट गाइस, यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर। और राइट, अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं अपने को खासी। और देखो चॉप नीचे ही है। भैया यार, ये घूमने वाला रेडॉक सेंटर ना मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दे रहा है। अरे नहीं यार, उसको आराम से करना है, तुम इतनी ज्यादा भाई दिमाग क्यों खराब हो जाता तुम्हारा? भैया क्या बताऊं यार, बस दिमाग खराब हो जाता है ऐसी चीजों को देख करके, लिटरली 3 बार गिर चुका हूँ वहाँ पे। अरे तो क्या हो गया भाई, तेरा भाई भी वहाँ पे 3-4 बार गिर चुका है। भैया अगर आप 3-4 बार गिरे होते ना, तो आप यहीं पे होते, आगे नहीं जाते। हाँ वो बात तो है यार, तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ा रहा था मैं, और तुम भाई अपने आप ही को डीमोटिवेट कर रहे हो। गाइस यार देखो, डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेशन लेकर के चलनी चाहिए। देख सकते हो तुम्हारा भाई हमेशा मोटिवेशन लेके चलता है, इसीलिए हर रेस में आगे रहता है। और राइट, यहाँ से अपने को नीचे जाना है। ओ भाई ये क्या, अरे ये भी कुछ नया देख रहे हो गाइस, यहाँ पे हर एक चीज नहीं है, यहाँ पे ये पता नहीं क्या चीज है, आई थिंक सो ना ये नेल्स बोल सकते हैं। चलो गाइस हम लोग इसको नेल्स बोलेंगे, और इस नेल्स के बीच में से ना अपने को भाई रास्ता ढूंढना है। ओके आप लोगों ने रास्ता तो ढूंढ लिया, और ये देखो पेड़ पौधे एवरग्रीन, जाने की इनकी भाई तैयारी पूरी की पूरी है। और राइट बहुत ही ज्यादा सही
नहीं है फ्री क्रॉलर भाई, लिटरली भाई उछलते उछलते पार कर जा रही है। और राइट यहाँ से भी अपन लोग निकल चुके हैं, सामने एक और है और अब मेरे को समझ आ रहा है कि ये क्यों दिया है। लिटरली गाइस ये आपकी गाड़ी को ना डिसबैलेंस करने के लिए दिया है, क्योंकि ये स्नो वाली सरफेस है तो यहाँ से गाड़ी ना बहुत इजिली नीचे जाने वाली है, तो इसीलिए इन लोगों ने ना ये उछलने वाली चीजें दे रखी है जिससे कि तुम्हारी गाड़ी उछले और ऐसे स्केड होगी तुम सीधे नीचे गिरो। बट कोई ना गाइस अपने को सब पता होने वाला है, लेट्स गो। अरे भाई ये आसमान में कैसे उड़ने लगी? ओ यहाँ पे दिया हुआ इनविजिबल रैंप और इस रैंप के ऊपर से अपने को जंप करानी है बहुत इजिली। और गाइस जिसको नहीं पता होगा इसके बारे में वो तो भाई सीधे आसमान में लॉन्च हो जाएगा। और राइट यहाँ से अपने को आगे चलना है और गाइस देख सकते हो बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर से अपने को लेकर के जाया जा रहा है। बाइकर्स भी है यहीं पे और गाइस यहाँ पे फिर से आने वाली है, पता था मेरे को यार यहाँ पे वापस से एक और बार आएगी। और राइट यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और देख सकते हो गाइस चॉप मिया पीछे ही है हमारे। अरे भैया यार बस एक जगह पे आप आगे क्या निकल गए, आप तो बहुत ही आगे निकल जाते हैं। हाँ भाई यार अगर आगे नहीं निकलूंगा तो यार तुम जैसे बंदे मेरे को पीछे नहीं कर देंगे। अरे भाई साहब ये कहाँ गिर गया यार उसको देखने के चक्कर में। भैया यार देखो मेरी इतनी अच्छी वाइफ है कि मेरे को देखते ही आप गिर जा रहे हो और मेरे दोस्त को आगे आने का मौका दे दे रहे हो। अरे तेरे दोस्त को आगे आने का मौका मिल जा रहा है बस, क्योंकि भाई ये अच्छा खेल रहा है भाई। लिटरली मैं बोल रहा हूँ अच्छा खेल रहा है, बट चॉप अच्छा नहीं खेल रहा, चॉप बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा, इसीलिए उसके दोस्त को भी उसकी पनिशमेंट मिलेगी ना। भैया यार मेरी पनिशमेंट मेरे दोस्त को दे रहे हो, अगर वो रेस फिनिश कर लेता तो अच्छा है ना। हाँ भाई अच्छा तो बहुत है, बट मैं करने दूं तो ना अच्छा है मेरे भाइयों। ऑलराइट गाइस यहाँ पे भाई फिनिश तो सिर्फ और सिर्फ हम ही करने वाले हैं और किसी को हम करने देंगे नहीं, इसलिए लेट्स गो गाइस जल्दी से हम लोग चलते हैं फिनिश लाइन की ओर। ऑलराइट सामने एक और चेक पॉइंट है और आई थिंक ना जो हमने पहले किया था ना वो अपने को वापस से यहाँ पे करना है, आई मीन की यहाँ पे फिर से होने वाले घोस्ट रैंप जिनके ऊपर से अपने को चलना है इजी पीजी। और गाइस देख सकते हो GTA वालों की ना ये आदत कभी खत्म नहीं होने वाली है, लिटरली एक कोर्स को अगर दो बार ना कराए ना तो भाई इनके पेट में खाना हजम होता नहीं है। और राइट लेट्स गो गाइस जल्दी से इस एरिया को भी कर लिया अपन लोगों ने, यहाँ से गाइस अपने को बस एक प्यारी सी जंप लेनी है। और राइट देख सकते हो तुम्हारे भाई ने कितनी इजीली ले ली है और डोंट से भाई की इस सर्कल के अंदर भाई पूरा घुमाना है। अरे पूरा घुमाने का तो जगह भी नहीं दिया आई थिंक ना गाइस कि कुछ और ही करना होगा यहाँ पे। और राइट अरे सीधे भी जा सकते हैं भाई, सीधे रास्ता दिख तो रहा है मेरे को। और राइट लेट्स गो हम लोग ट्राई करेंगे भाई सीधे सीधे जाने का, बट भाई देख रहे हो बीच में इतने बड़े गैप है ना, अगर ये गैप हमको और नहीं रोक रहा भाई वो ये हुई ना बात भाई सीधे ले लो। अरे नहीं आगे रास्ता नहीं, अरे चेक पॉइंट वहाँ पे है भाई लोग। भैया यार बहुत सारे तेजी में जा रहे थे, अब बताओ गिर के कैसा लग रहा है आपको? अरे कुछ नहीं यार, एक बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, दूसरी बार तो हो जाएगा, हम लोग ट्राई करने में विश्वास रखते हैं चॉप ठीक है। हम लोग भाई अपनी चुनौतियों को भाई कुछ बोलते नहीं है, लिटरली उनको फेस करते हैं और देखो हमारा हो भी जाता है। अब ये यार बहुत बोल रहे हो आज, आप आपको बताता हूँ एक बार पहुंचते तो मेरे को आपके पास। हाँ भाई जब पहुंच जाना ना तो मेरे को आराम से बताना, बट उसके लिए भाई तुमको पहुंचना भी तो होगा तो पहुंचो ना। अब ये रुको तो एक जगह फिर ना पहुंचूंगा। अरे तुम्हारे लिए अगर एक जगह रुका ना तो भाई पूरा दिन निकल जाने वाला है मेरा। ऑल राइट यहाँ से देख सकते हो गाइस गाड़ियों को नीचे रख रखा है जिसके ऊपर से अपने को जाना है। ऑल राइट भाई ये देख रहे हो कितनी ज्यादा दिमाग लगा के ना इस रेस को भाई क्रिएटर ने बनाया है, आई जस्ट लव इट। ऑल राइट लेट्स गो गाइस यहाँ से आगे जाना है, सामने एक और चेक पॉइंट है इसको लेते हैं। और गाइस कहाँ पे जाना है अपने को? ओ ये कैसा चेक पॉइंट है भाई, ये चेक पॉइंट तो मैंने पहली बार देखा। और गाइस इससे पहले अगर तुमने किसी रेस में ऐसा चेक पॉइंट देखा है तो मेरे को बताओ यार, क्योंकि ये तो मेरा पहली बार है। और राइट यहाँ से आगे जाना है, यहाँ से कहाँ जाना है अपने को? आई थिंक ना गाइस यहाँ से अपने को मुड़ना है। और राइट देख सकते हो और सामने वही छुटकू सा हमारा चेक पॉइंट है, तो उस चेक पॉइंट को भी तो लेना होगा ना मेनू। और राइट गाइस यहाँ पे अपने चेक पॉइंट ले लिया है, वापस से अपने को अंदर जाना है। ओके गाइस ये देख रहे हो कितने प्यारे से चेक पॉइंट एकदम छोटे छोटे, एक काम करते हैं गाइस यार चेक पॉइंट वहाँ पे तो इतना घूम के कौन जाएगा, अपन लोग सीधे ही चले जाते हैं लेट्स गो। अरे भाई साहब यहाँ पे क्या है, वो इन्होंने इनविंसिबल बॉल लगा रखी है भाई, देख रहे हो ट्रोल करने का ना 1% मौका नहीं छोड़ रहे गेम वाले। भैया यार आप जैसे को ट्रोल लगा रहे तो किसको कह रहे, हम तो भाई गरीब इंसान है, हमको ट्रोल करके कर भी क्या लेंगे। हाँ भाई बड़े गरीब आया भाई, ये बंदा लिटरली दो दो हड्डियाँ खाता है, आई मीन दो दो भाई चिकन खाता है बैठ के। ये इतना सच नहीं बोलते यार, मैं अच्छा इंसान हूँ ठीक है ना, मैं मोटा ऐसे नहीं हुआ। हाँ भाई ठीक है भाई, तुम मोटा होता जा रहा है और मैं भाई पतला होता जा रहा हूँ तेरे को खिला पिला के, ये भी अच्छी बातें नहीं यार, अच्छा कर रहे हो। हाँ भाई ठीक है। ऑल राइट गाइज यार यहाँ पे ना आई थिंक ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो अपने को थोड़ा सा भाई थोड़ी देर बाद मिलना चाहिए, क्योंकि गाइज यार रेस ज्यादा लंबी हो जाएगी ना तो ना तुमको पसंद आएगा और ना भाई तुम देखोगे फिर। ऑल राइट एक काम करता हूँ ना, मैं सीधे तुमसे मिलता हूँ फिनिश लाइन के पास पे। ऑल राइट गाइज यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं फिनिश के बहुत ही ज्यादा करीब। और गाइज ये वाला चेक पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया था तो इसको मैं वापस से ले लेता हूँ, और देख सकते हो नेक्स्ट चेक पॉइंट हमारी आंखों के सामने है। और गाइज चॉप और चॉप का फ्रेंड दोनों को दोनों हमारे पीछे है, तो हम लोग जल्दी से भाई इस चीज का ना फायदा उठाने वाले हैं और लेने वाले हैं अपना नेक्स्ट चेक पॉइंट जो कि हमारी आंखों के जस्ट सामने होने वाला है। तो लेट्स गो गाइस इस वाले को भी ले लेते हैं।
और सामने एक और चेक पॉइंट दिख चुका है तो उसको भी ले लेंगे। तो लेट्स गो गाइस। यार ये वाली पार्को ना लिटरली वन ऑफ द बेस्ट पार्को लगी मेरे को, क्योंकि गाइस इसको करने में ना लिटरली बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और गाइस तुमको देखने में भी आ रहा होगा। तो गाइस यार अगर तुम अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देख सकते हो गाइस यहाँ पे अपने को भाई अलग अलग जगहों से ले जा रहे हैं। भाई क्या था भाई, फाड़ दिया पूरा का पूरा। यार और जाओ ना पानी के अंदर और पता चलेगा आपको। यार मैंने तो सुना था भाई पानी के अंदर गिरते तो भाई पानी से भाई हम लोग टकराते हैं, बट यहाँ तो भाई बम से टकरा रहे हैं। यार ये वाला पानी थोड़ा सा अलग है ना। हाँ भाई ठीक है, चलो लेट्स गो गाइस, हम लोग जल्दी से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि भाई चॉप को भाई आगे नहीं आने देना है। और आई थिंक ना यहाँ पे कुछ ना कुछ इनविजिबल रखा हुआ है जो कि मेरे को तो नहीं दिख रहा और तुमको भी नहीं दिखने वाला ऑब्वियस सी बात है। और सामने हमारा चेक पॉइंट और देख रहे हो मेरी गाड़ी भाई अलग ही ढंग से चल रही है, बट कोई ना हम लोग इस गाड़ी को भी ना लेके जाने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इजिली। और राइट सामने चेक पॉइंट है और देखते हैं गाइस कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। ओके अपने को मिल चुकी है बाइक और बाइक से अपने को कहां जाना है। ओ अपने को क्या नहीं यार ये बाइक नहीं है, बट कोई ना गाइस यार अपनी रेस फिनिश पे आ चुके हैं। तो लेट्स गो गाइस, आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।